ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज तो बहुत गर्मी है। हाँ भाई, गर्मी ने तो हशर नशर करके रख दिया है। आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ भाई तुम खाना लगाओ। हादिया बेटा ये फ्रूट जरा फ्रिज में रख दो। जी। अरे नहीं नहीं बस सिर्फ ये वाले रख दो। तुम खाना लगाओ, बहुत जोर की भूख लग रही है, मैं अभी आता हूँ। देख लिया अपने बाप को कैसा, अपनी चहेती के बगैर इनके हलक से एक दाना भी नहीं उतरता। अम्मी आप क्यों अपना दिल जला रही हैं? उन्होंने कौन सा बाज आ जाना है? अपनी बीवी से ज्यादा इन्हें अपनी चहेती भाभी की फिक्र है। अरे इस औरत पर बेवा का लेबल क्या लगा, सबकी हमदर्दियां समेट ली इसने। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ ये बच्चा कुछ फ्रिज में रखो। खुद ही बातें कर रही है मुझसे, मैंने तो कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं चाचा जान? जीती रहो जीती रहो, खूब पढ़ाई चल रही है हमारी बेटी। जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए ना। अरे नहीं नहीं बस दुकान से आया हूँ, थका हुआ हूँ, बस नहा के खाना खाऊंगा। ये थोड़ा सा फ्रूट लाया था। ये क्या भाई साहब, आप खामखा तकल्लुफ करते हैं, रोज कुछ ना कुछ ले आते हैं। क्यों गैरों वाली बात करती हैं आप लोग, मेरे अपने हैं। भाई दुनिया से चला गया तो भाभी और भतीजी को तनहा छोड़ दूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा तुम्हारी स्टडी के बारे में फिर किसी दिन बात करें, फिलहाल तो मैं थका हूँ। भाई साहब अम्मी चाचा जान कितने अच्छे हैं ना। अब्बू के चले जाने के बाद ना सिर्फ उन्होंने हमें मोहब्बत दी बल्कि हमारी तमाम जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखा है। ठीक कहा तुमने, भाई हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। सच पूछो तो मेरे दिल से उनके लिए हर लम्हा दुआ निकलती है, वरना आजकल के नफसा नफसी के दौर में कौन किसी का ख्याल रखता है। और भाई साहब को देखो, रोज हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं। अल्लाह इन्हें अजर दे, लंबी उम्र दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल होना है, बस जी रहे हैं। वो बिरयानी बनाई थी, भाई को ना मेरे हाथ की बिरयानी शुरू से बहुत पसंद है, सोचा दे आऊं। अरे भाई भाभी को एक दूसरे का कितना ख्याल है, भाई भी जब तक तुम्हारे घर कोई चीज ना पहुंचा दे उनके हलक से निवाला नहीं उतरता, और भाभी को भी यही मोहब्बत है, क्या बात है भाई। वो भाभी हादिया नजर नहीं आ रही। हादिया एकेडमी गई भी है, मेरी बच्ची बड़ी मेहनत कर रही है, पेपर होने वाले हैं ना उसके, अल्लाह उसे कामयाबी दे। आमीन। बात तो बताओ। जी भाभी। आजकल हम गरीब लोग दाल रोटी का मुश्किल से गुजारा करते हैं और तुम ये बिरयानियां बना के ला रही हो,
वो निम्रा का बड़े दिनों से दिल चाह रहा था और मेरी ना 2-3 सूटों की सिलाई एक साथ मिल गई तो सोचा कि उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, बस इसलिए बनाई थी। और तुम्हारे अख्तर भाई भी तो इतना साथ देते हैं तुम्हारा, खाली सिलाइयों पे तो गुजारा नहीं है ना। जी जी भाभी, क्यों नहीं, भाई का एहसान मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ भाई, वो जरा हादिया होती ना तो कोई चाय पानी का बंदोबस्त करती तुम्हारे लिए। अब मैं उठ के जाऊंगी तो तुम कहोगे अपने भाई से कि भाभी 2 घड़ी भी हमारे पास नहीं बैठी है ना। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना घर है, चाय पानी का क्या तो कर लो। और क्या, इजाजत दीजिए, खुदा खुदा। पता नहीं क्या पढ़ पढ़ कर थूक कर लाती है। अरे मैं खिलाई ना दूं, मैं इसकी लाई हुई बिरयानी अपने मियां को। अभी आती है ना मौसी, उसको देती हूँ बिरयानी आप खिलवाई। भाई बाजार में किस कदर रश था, कहने को महंगाई है लेकिन लोगों के पास कितना पैसा है। लग रहा था कि बस दुकानों पर मुफ्त चीजें बट रही हूँ जैसे। आप ठीक कह रही हैं, पता है वो औरतें कैसे धड़ाधड़ सूट खरीदी जा रही थी और हमें देखो कीमतें पूछ पूछ के सोच सोच के 2-4 सूट खरीदते हम। तुम तो सदा की नाशुक्री हो। अरे सीजन के 10 सूट सिलवा के रखे हुए तुमने, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता। अच्छा जाओ, मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है, तुम जाकर अच्छी सी चाय बना के लाओ। जाओ जाओ ना। या अल्लाह कैसी थकन हो गई। अम्मी अम्मी इधर आई, खून अम्मी अम्मी जल्दी आए। अरे कैसा खून, किसका खून, सटिया गई हो क्या, खून खून लगाया हुआ, क्या हो गया। अम्मी देखिए, हाय 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 सकिया नास और रशीदा तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें कभी सुकून नसीब ना करे जिस तरह तुमने मेरा सुकून बर्बाद किया है। अल्लाह तुम्हें कोई खुशी देखनी नसीब ना करे। अरे कैसे कैसे वार हो रहे हैं हम पर, मरवाना चाहते हैं ये हमें। अरे मरे हमारे दुश्मन, तुम देखना मैं करती क्या हूँ इसका हशर, देखना तुम, बताती हूँ। चलो आओ, तुम आओ मेरे साथ, आ जाओ। अरे देखना रशीदा, अब तेरे कैसे बुरे दिन आए, देखना तो तूने मेरा बहुत कलेजा खाया। अब दोनों माँ बेटियां ना रोई ना अपनी किस्मत पर, फिर देखना मजा आएगा ना, तुम निम्रा को तड़पता हुआ देखूंगी मैं। वैसे अम्मी साईं बाबा ने कुछ ज्यादा पैसे नहीं ले लिए, बहुत महंगे नहीं है वो। अरे नहीं नहीं कोई पैसे नहीं लिए, साईं बाबा बहुत इल्म रखते हैं, इतने बिगड़े हुए काम यूं मिनटों में ठीक कर देते हैं, बहुत पहुंचे हुए वो। तुमने देखा नहीं उनके दरबार में कैसा रश लगा हुआ था। हाँ है ना, तुम जाओ जल्दी से जाके ना ये तावीज छत पे जाके दबा दो, जाओ। मैं कल उनके घर जाके ना घर के कोने कोनों में तावीज दबाऊंगी खुद, जाओ तुम जाओ। ये लिस्ट है। ठीक है, सुबह आ जाएंगी ये सब चीजें। अच्छा उन लोगों के लिए हाफ हाफ कर दीजिएगा, किसको कितना देना है मुझे सब पता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की जरूरतों का सब पता है आपको और अपने घर के हालात क्या है कुछ नहीं मालूम। महंगाई का दौर है, अखराजात बढ़ रहे हैं, घर में जवान बेटी बैठी हुई है, अगर आप इसी तरह दूसरों पर लुटाते रहे तो कैसे गुजारा होगा। कुछ तो खुदा का खौफ करो, अरे यतीमों को कुछ देने से खुदा खुश होता है, सवाब का काम है, और वो यतीम जो हमारे अपने उन्हें देने से रिस्क घटता नहीं है बढ़ता है। अरे अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है, हादिया की बारी आएगी तो जहेज का बंदोबस्त भी हो जाएगा। वक्त सर पे खड़ा है अख्तर साहब,
इस साल उसकी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो मैं उसके हाथ पीले कर दूंगी, कह दिया मैंने आपको। तो क्या मतलब है तुम्हारा, अपनी बेवा भाभी और भतीजी का ख्याल रखना छोड़ दूं? अरे उनका ख्याल करूंगा तो मेरे भाई की रूह खुश होगी। बस आप रूहों को ही खुश करते रहे, जिंदा लोगों की जिंदगी को दुनिया में जहन्नुम बना दें। ये फजूल बातें मत करो, कौन सी जरूरत है तुम्हारी जो पूरी नहीं की? दिन रात तुम लोगों के लिए मरता खपता हूँ, अपनी बसात से ज्यादा खर्च करता हूँ। तुम तो नाशुक्री औरत हो, इस मसले पे दोबारा मुझसे बहस की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी भाभी भतीजे पे ज्यादा खर्च करूं या कम, तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा मेरी बेटी का पेपर? जब एक माँ की दुआएं उसकी बेटी के साथ हर पल होंगी तो कैसा हो सकता है पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह आज का पेपर भी तमाम पेपर्स की तरह बहुत अच्छा हुआ। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। इंशाल्लाह आप देखिएगा मेरी फर्स्ट पोजीशन आएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस अम्मी अब आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब मेरा रिजल्ट आते ही मेरी नौकरी हो जाएगी अच्छी सी और आपकी बेटी कमाने लगेगी। इस तरह चाचा जान का बोझ भी हल्का हो जाएगा। बेटा मेरा और इस सिलाई मशीन का तो बरसों पुराना साथ है, मैं इससे दूर नहीं रह सकती। लेकिन हाँ तुम्हें अपने से दूर करने के बारे में सोच रही हूँ। कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपने घर की हो जाओ, हंसी खुशी रहो। रही बात तुम्हारे चचा के बोझ की, तो बेटा तुम्हारे चचा ने तो हमें कभी बोझ समझा ही नहीं। मगर हाँ तुम्हारी चची की बातें कभी कभी मेरा दिल बोझल कर देती हैं। अरे अम्मी आप लोगों के बुरे रवैये और बातों को क्यों दिल पर लगाती हैं? और चाची जान की तो आदत है इस तरह की। चाचा तो अच्छे हैं ना, बस हमें और किसी चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए। और हाँ मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अच्छा भाई ठीक है, अब जाओ जाके मुँह हाथ धो, फिर मैं खाना लगाती हूँ, फिर दोनों माँ बेटी आराम से बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है, वैसे मैं बहुत थक गई हूँ। थैंक यू। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई आज तो मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है, लगता कोई अच्छी खबर है। जी चाचा जान आपको पता है कि मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, ये लीजिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई फिर तो मुंह मीठा करना ही पड़ेगा। अरे नहीं भाई, भाई तुम्हें तो पता है कि मुझे शुगर है, मीठा खाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारे चाचा कहेंगे कि मैं परहेज नहीं करती। हादिया तुम तो लो। तुम्हें पता है मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा रुको, अरे भाई अपना इनाम तो लेती जाओ, इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तुमने। चाचा जान इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी खुशी में खुश हैं, मेरे लिए यही काफी है। अच्छा ऐसा करते हैं कि तुम्हारा इनाम तुम्हें तुम्हारे घर जाकर देते हैं, भाभी को मुबारकबाद भी दे दूंगा, हैं? आओ। चले। देख रही हैं आप, देखा है आपने? अरे दोनों माँ बेटियां जोक की तरह चिमट रही हैं हमें, जाएंगे और अपनी लाडली बेटी को हजारों रुपए निकाल कर दे देंगे। मैं अगर पैसे मांगती हूँ घर के इजाफी कर्जे के तो कहते आजकल मेरा हाथ तंग है, सारी जिंदगी इन्हीं दोनों पर अपनी कमाई लुटाई है इन्होंने। अभी भी ना हजार हजार के नोट निकाल के दे रहे थे, क्या कर? हादिया क्या हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हो, नाक कटवा दी तुमने अपने बाप के सामने मेरी? किधर प्यारी नाक ही लगी तो हुई आपके चेहरे पे, बस यही फजूल बातें करवा लो तुमसे। अरे सारा वक्त तुम्हारे कॉलेज और एकेडमी की फीसें भरती रही, दिन रात मैं काम करती रही कि मेरी बच्ची पढ़ रही है, नतीजा क्या निकला? बमुश्किल पास। हाँ तो पास हुई हूँ ना, कौन सा फेल हुई हूँ? आप क्यों इतना गुस्सा कर रही है? थर्ड डिविजन ला के तुमने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है?
हैं? निम्रा को देखो, ना कोई एकेडमी ज्वाइन की, माँ का अलग हाथ बटाती थी किचन के कामों में, क्लास में टॉप किया है उसने, और कितनी जल्दी अच्छी नौकरी मिल गई है उसे, उनके तो अंदाज ही बदल गए। अम्मी आप मेरी बात सुने, मुझे ना ये निम्रा के ताने नहीं दें आप, ठीक है? अब मैं ना सारी जिंदगी अपनी यूं बाजू में किताबें लेके और दुनिया से गाफिल होके नहीं फिर सकती हूँ। बंदे की कोई लाइफ होती है, कोई एक्टिविटी होती है, और मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह मियां ने ना मेरे सर पे मेरे अब्बू का साया रखा हुआ है, वो करेंगे मेरी जरूरतें पूरी। अरे बेटा मैं ताना नहीं दे रही, जो मैं कह रही हूँ ना मेरी बात को समझो। तुम्हारे अब्बा तो पहले ही गुण गाते हैं अपनी भतीजी के, अब वो उनके दिल में और जगह कर लेगी। भाई मुझे तो फिक्र है इसकी नौकरी और हाई एजुकेशन को देख के खानदान से कोई अच्छा रिश्ता ना आ जाए। साईं बाबा भी कुछ नहीं कर पा रहे, दास कैसे बदलते जा रहे हैं, उनके हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। ये जो साईं बाबा है ना, बस नजराने पे नजराना लिए जा रहे हैं, ठीक है? इनकी सारी पढ़ाइयां और अमल जो उल्टे ही पढ़ रहे हैं। और मेरी बात सुने, ये खाली पढ़ाई वढ़ाई से कुछ भी नहीं होता, ठीक है? कोई बंदे में स्टाइल होता है, कोई जमाने के साथ चलने का तरीका होता है, और वो कहाँ है उसमें? आपकी बेटी ना लाखों में एक है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अरे हाँ भाई, मेरी बेटी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, सबसे खूबसूरत है माशाल्लाह, और देखना कितना अच्छा पढ़ा लिखा रिश्ता आएगा मेरी बच्ची के लिए। बस तुम जरा ध्यान से काम किया करो, घर के कामों में भी ध्यान दिया करो। कर लूंगी अम्मी वो सब भी, अभी मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने तो दें आप। मर्जी से जीने दें। अरे हादिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से भाई घर के काम काज करने लगी हो। हमेशा ही करती हूँ चाची, पढ़ाई की वजह से थोड़ा नहीं कर रही थी। जानती हूँ बेटा जानती हूँ। ये बताओ कि भाभी तो ठीक है ना? ठीक ठाक। वैसे माशाल्लाह से बहुत प्यारी हो गई हो पहले से भी, अल्लाह तुम्हें नजरे बस से बचाए। ठहरो जरा। अम्मी अम्मी बुला रही है मुझे, कपड़े धुलने और भी आने, मैं आती हूँ। हाँ वो आना जरूर, निम्रा याद कर रही है। हाँ। फहमीदा भाभी के यहाँ से कार्ड आया है। कैसा कार्ड? अरे उनका बड़ा बेटा नहीं था जो मुल्क से बाहर डॉक्टरी पढ़ने के लिए गया था, सर्जन बनकर वापस आया है, उसी खुशी में उन्होंने दावत रखी है। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं भाई, पहले पढ़ाई पे इतना खर्च किया, अब दावत पे लाखों खर्च होंगे। हाँ भाई, तो अल्लाह ने दे रखा है ना इतना, इतना बड़ा घर है उनका, देखते देखते आधा दिन गुजर गया। अम्मी अब इतनी लंबी भी ना छोड़े प्लीज। तुम्हें तो बस माँ की बात में ना हर वक्त कीड़े ही निकालने होते हैं। मैं झूठ थोड़ी कह रही हूँ आपसे, इतना बड़ा घर है, इतने बड़े बड़े कमरे, इतना वसी लॉन, ड्राइंग रूम तो इतना अच्छा सजा हुआ है कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बेगम देखो, ये फटी आंखों वाली जोजा जो है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लिहाजा तुम भूल कर भी उनके ड्राइंग रूम का रुख मत करना। बस आप बाप बेटी ना मिलकर मेरा मजाक उड़ाते रहे, जो समझना है ना वो नहीं समझिएगा। अच्छा चलो तुम बताओ क्या बात है। भाई मैं ये कहना चाह रही थी कि इतने बड़े लोग हैं तो तोहफा तो उनके शायन शान होना चाहिए ना, ताकि हमारी भी इज्जत हो। तोहफे से तो इज्जत नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अपनों में इखलाक और प्यार देखा जाता है, और फहमीदा बाजी तो वैसे भी सादा तबीयत खातून है, मोहब्बत की भूखी है, ये तोहफे तहाइफ से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। तो क्या मैं उनके घर खाली हाथ चली जाऊं? नहीं, ये मैंने कब कहा है भाई, जो जी चाहे लेके जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, हम लोग सब जाएंगे और बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग करके जाएंगे, ताकि उन लोगों पर अच्छा इम्प्रेशन पड़े, है ना? अम्मी आप बीमार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
प्लीज आप अपना ख्याल रखें, मैं नहीं देख सकती आपको इस तरह। बड़ी सख जान हूं मैं बेटा, कुछ नहीं होने वाला मुझे। तुम्हारे अब्बा के बगैर इतनी जिंदगी गुजारती, अब तो बस अल्लाह से ये इल्तजा है कि मुझे इतनी मोहलत दे दे, तुम्हारा अच्छा सा रिश्ता देखूं, तुम्हारी शादी कर दूं, ताकि इस फर्ज से भी मैं सबकदोश हो जाऊं। एक तो आपने फिर वही बात शुरू कर दी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे मेरी जान, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, और वैसे भी अकेले रहने में मसला क्या है मेरे लिए। हाँ मैं रह लूंगी आराम से, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो ये बातें। अरे ये तो देखो जरा, ये क्या है? फहमीदाई थी, ये कार्ड देकर गई है। उनका बेटा ना बाहर मुल्क से पढ़कर आया डॉक्टरी, उसके एजाज में घर में उन्होंने कोई पार्टी रखी है और हम लोगों को बुलाया। छोड़े अम्मी, इतने बड़े लोगों में हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम है वहाँ। बुरी बात है बेटा, बहुत मोहब्बत से बुलाया उन्होंने, और फहमीदा तुम्हारे अब्बू की चचाजाद बहन है, इसरार करके गई है कि निमरा को जरूर साथ लेकर आना, तो जाना तो पड़ेगा ना बेटा। अच्छा हम चले जाएंगे, लेकिन पहले आप अपनी तबीयत ठीक कर लें, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें आप आराम करें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा। क्या हो गया, क्या अम्मी अम्मी करती रहती हो हर वक्त? जला दी ना। वाह वाह। नहीं जलाई अम्मी, ये देखें। बंदिश करवाई है उसने रिश्ते के लिए। पर साईं बाबा, आप तो कह रहे थे कि अब कोई अमल नहीं चलेगा उनका हम पर। दुश्मन ने बहुत गहरा वार किया है। मैं अपने बेटे शाजिल का रिश्ता आपकी बेटी निमरा के लिए लेकर आई हूँ। क्या शाजिल का रिश्ता निमरा के लिए? ये लो बेटा ये खाओ, और तुमने अभी तक खाना भी नहीं निकाला। आपके वेट कर रहा हूँ। ये लो। नहीं मैं कबाब खाऊंगा। आपके हाथ की लज्जत मामा, इसका कोई मैच नहीं। बिलीव करें इतना मिस किया ना आपके हाथ का खाना कि आपको कोई क्लू नहीं है उस चीज का। थैंक यू बेटा। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैंने घर पे जो पार्टी रखी है ना, उसमें खानदान की सब लड़कियां आएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए कोई लड़की पसंद कर लो। मैं तुम्हारे सर पे जल्द से जल्द सेहरा सजा हुआ देखना चाहती हूँ। वो सब कुछ तो ठीक है मामा, लेकिन अगर मुझे कोई लड़की पसंद ही ना आए तो? तो भी कोई मसला नहीं है, मेरे बेटे को जो लड़की पसंद होगी मैं उसे बहू बना के ले आऊंगी। लो ना, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे। ये लो कबाब खा रहे हो ना? नहीं ये खाओ। मामा 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 हौसला, आप तो खा लो पहले। खा लेता हूँ खा लेता हूँ। अरे हादिया सही से दबाओ, सारा जिस्म टूट रहा है। अम्मी वो मैं ना वो दावत के लिए सबके कपड़े प्रेस कर देती हूँ, है लाइट चली गई तो कुछ पता नहीं ना। क्या जरूरत है, अभी दो दिन पड़े हैं, कर लेना आराम से, अभी थोड़ी हो रही है दावत। अम्मी अभी कर देती हूँ ना। अच्छा भाई जाओ जाके कर लो, नए सूटों का बेड़ा गरक ना कर देना। बात सुनो, दावत में जरा अच्छी से तैयार हो जाना। फहमीदा भाभी का बेटा है ना डॉक्टर बना है, मैं चाहती हूँ उसकी नजर तुम पर ठहर जाए। फहमीदा भाभी बहुत अच्छी और सादा तबीयत की औरत हैं, अगर तुम उन्हें पसंद आ गई ना तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे ऐसा ससुराल किस्मत वालों को मिलता है। ठीक आग गई, बहुत ही कामचोर लड़की है भाई, जरा सा दबाने को कहा तो देखो कैसा बहाना करके गई।
अम्मी 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 इधर आए जल्दी। क्या हो गया? क्या अम्मी अम्मी करती रहती हो? हर वक्त जला दी ना। वाह वाह। नहीं जलाई अम्मी, ये देखें। याल्ला, अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। खुदा गारत करे तुझे रशीदा, खुदा गारत करे। अम्मी बस, अब ना मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बता दूंगी अब्बू को उनकी पारसा भाभी क्या कर रही है। आपको पता है कल जब मैं कपड़े फैलाने गई थी ना ऊपर, तो ये आ गई और इन्होंने कुछ पढ़ पढ़ के मेरे मुंह पे फूंकना शुरू कर दिया और कहा कि बड़ी खूबसूरत होती जा रही हो तुम दिन ब दिन। मैं तो भागी वहां से, जाके मैंने रगड़ रगड़ के अपना मुंह धोया, चारकोल पढ़ के फूके। जन्म चली रशीदा, किन जन्मों का बदला ले रही है पता नहीं मुझसे। पहले मेरी सास को न जाने क्या घोल घोल कर पिलाती थी कि इसी के गुण गाती रही मरते दम तक, और अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखना ये सुइयां तेरे कलेजे को छलनी करेंगी इंशाल्लाह। मैं मुझे तो ऐसे ऐसे कांटे चुभ रहे हैं, मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है, मैं क्या करूं अम्मी? नहीं मेरा बच्चा, अपने अब्बा से कुछ ना कहना। अरे वो अपनी इस दूध की धुली भाभी पे कब यकीन करेंगे? हमें ही कसूरवार ठहराएंगे, कहेंगे सब कुछ तुम्हारा ही कसूर है। तो हम करें क्या फिर? वो साईं बाबा ने भी तो तोड़ कर दिया था ना, अब तो उनका अमल भी काम नहीं करेगा। मेरा बच्चा हम चलते हैं, शाम को साईं बाबा के पास चलते हैं बस। लेकिन अम्मा वो पैसे उन्होंने पहले भी कितने ले लिए थे, अब फिर वो इतने पैसे मांग लेंगे और मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊंगी? वो मेरी कमेटी खुली है, बस उसी से काम चला लूंगी मैं। और तू फिक्र ना कर, अपना दिल ना चला, मैं तेरे लिए नया सूट बनवा दूंगी, फिक्र ना कर तू। चलते मैं करती हूँ उसका कुछ तो, देखना चला जा, जिसको हाथ ना लगाना, आ जा छोड़ इसको। हक हू हक हक हू। बहुत सख्त अमल करवाया है बीवी, बंदिश करवाई है उसने रिश्ते के लिए। पर साईं बाबा आप तो कह रहे थे कि अब कोई अमल नहीं चलेगा उनका हम पर। दुश्मन ने बहुत गहरा वार किया है, बहुत पैसा लगाया है उसने, अब हमें भी चिल्ला काटना पड़ेगा, तब कहीं जाके बंदिश का तोड़ होगा। साईं बाबा हमारी परेशानी तो बस आप ही दूर कर सकते हैं, कुछ कीजिए ना आप, आपको अल्लाह इसका अजर देगा। अल्लाह तो अजर देगा बीबी, फिलहाल बंदे को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। जी जी जरूर, क्यों नहीं, आप हुक्म करें। तीस हजार एडवांस, पांच देसी मुर्गे और एक करंडी का सूट चाहिए होगा बीवी। साईं बाबा ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। हम अपने लिए नहीं, मकलात के लिए लेते हैं, तब कहीं जाकर वो ये काम करेंगे। जी जी जी। ये रख दे बेबी। अब तुम जा सकती हो। भाभी आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, इतने दिनों बाद आप ऊपर आई हैं। अरे रशीदा तुम्हें तो पता है कि मैं जोड़ों की दर्द की मरीज़ हूँ, चला जाता नहीं है मुझसे। रात से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और आज मैंने खीर भी बनाई थी, तुम्हारे बगैर मेरे हलक से नहीं उतरी, इसलिए लेकर चली आई। भाभी खीर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपके टांगों में तकलीफ थी तो मुझे कह दिया होता ना, मैं आ जाती। अरे कैसी तकलीफ, मेरा अपना घर है, दिल चाहा तो मैं आ गई। अच्छा ये बताओ निमरा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो?
कल की तकरीब के लिए सूट खरीदने गई है। अरे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी, हादिया से ले लेती कोई जोड़ा और पहन लेती। अच्छा छोड़ो ये बताओ, तुम बातों पे ही टरखाओगे क्या, मुझे चाय पानी का नहीं पूछोगी? अरे कैसी बातें कर रही है, अभी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। जी अभी लाइए। देखती हूँ ना, देखना अब देखना तुम कैसे तुम्हारी बेटी इसी दहलीज पर बैठी रोती रहेगी और मेरी बेटी डॉक्टर के साथ रुखसत हो जाएगी। समीना कितना प्यारा सूट सिया, इतनी नफासत। इसमें भी सुई है, है? ओ सॉरी हादिया, मेरी वजह से तुम्हें सुई चुभ गई। यार असल में मेरी ये बुरी आदत है कि तुरपाई करते वक्त सुई कमीज में लगाती हूँ ना तो फिर निकालना ही भूल जाती हूँ। इससे पहले भी जो तुम्हारा सूट सिलकर गया है ना एक, उसमें भी यार कई सुइयां लगी होंगी, तुम ध्यान से निकाल लेना और मुझे भिजवा देना। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई पढ़ाई लिखाई के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत हो गया। अरे बेटा यहाँ आओ ना, सबसे आके मिलो। मैं भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये तुम्हारी फर्स्ट कजन है और इसने अभी अभी मास्टर किया है। हेलो। अम्मी घर चले? हाँ बेटा, फहमीदा अब हमें इजाजत दो, बहुत देर हो गई है, चलना चाहिए हमें। अरे ऐसे कैसे जाएंगी आप, चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं आपको, चाय पी के जाइएगा, चाय आ रही है। नहीं आंटी थैंक यू, बस अब जाएंगे, अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें रेस्ट करना है। हाँ निमरा बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है, आजकल रशीदा की तबीयत कहाँ ठीक रहती है, ये तो गनीमत समझे कि आपके घर आ गई है ना रशीदा। मेरा ख्याल से हमें चलना चाहिए, और वैसे भी फहमीदा अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, फिर आऊंगी। लेकिन आती रहिएगा। अरे निमरा क्या हुआ बेटा? Are you okay? जी तुम ठीक हो बेटा? आंटी मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना आप लोगों को। नहीं हम चले जाएंगे, थैंक यू। हाँ बेटा हम चले जाएंगे, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अच्छा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मामा। मामा बोलो। कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो। लेकिन मामा समझ नहीं आ रहा कि बात करूं किस तरह से। ऐसी क्या बात है जो तुम इतना हिचकिचा रहे हो? मामा वो
आपने कहा था ना कि पार्टी में अगर कोई पसंद आ जाए। इसका मतलब है तुम्हें पार्टी में कोई लड़की पसंद आ गई है? जी मैम। कौन है वो, नाम बताओ मुझे। मामा वो निम्रा। निम्रा? अल्लाह, निम्रा तो मुझे पहली ही नजर में भाग गई थी। सच इतनी पसंद आई थी मुझे वो लड़की। मैं अभी उसकी अम्मी को फोन करती हूँ और रिश्ते की बात करती हूँ। नहीं नहीं मामा, अगर अभी इतनी सुबह आप कॉल करेंगी तो ऑकवर्ड हो जाएगा। आप शाम में उनके घर जाकर बात करें। ये भी तुम ठीक कह रहे हो। मैं शाम में उनके घर जाके तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बात की लाज रख ली। ठीक है, तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। थैंक यू। आप कैसी हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे फहमीदा, आप क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती आपके घर? आए आए बैठे ना, आए। और बेटा तुम जाओ, जरा जाके जल्दी से पानी वानी का बंदोबस्त करो। भाई जब दिल चाहे आए, आपका अपना घर है। मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। जरूरी काम? कैसा जरूरी काम? मैं अपने बेटे शाजिल का रिश्ता आपकी बेटी निम्रा के लिए लेकर आई हूँ। क्या, शाजिल का रिश्ता निम्रा के लिए? मैं इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मेरे बेटे ने पहली दफा किसी लड़की को पसंद किया है और वो आपकी बेटी निम्रा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि शाजिल के लिए कोई पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हो, और निम्रा में ये सारी खूबियां मौजूद हैं। आप लड़की वाले हैं, आप चाहें तो शाजिल के बारे में छानबीन कर सकते हैं, आपका हक है। वैसे मेरे बेटे के किरदार में कोई खोट नहीं है। वो पला बड़ा जरूर बाहर है, लेकिन अपने रिश्ते रिवाजों को बहुत अहमियत देता है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिशिता, आपने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। मैं अपने बेटे शाजिल का रिश्ता आपकी बेटी निम्रा के लिए लेकर आई हूँ। भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फहमीदा ने अपने डॉक्टर बेटे का रिश्ता मांगा है मेरी निम्रा के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग कोई मुनासिब सा दिन बता दीजिए ताकि छोटी सी रस्म अदा हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हादिया के अब्बू से पूछकर कोई मुनासिब सा दिन रख लेते हैं। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा करते हैं कि जुम्मे का दिन रख लेते हैं, मुबारक दिन है। जी भाई साहब बिल्कुल ठीक कहा, जुम्मे का दिन ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहेगा, अल्लाह मुबारक करे सबको। आमीन आमीन। कलेजी भिजवाई थी पकाने के लिए, वो नहीं पकाई।
मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहां बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह।